जाने वाले। हेलो गाइस, क्या हाल चलो। तो भाई आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और यार काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई अभी इसी तरीके से वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। और यार काफ़ी ज़बरदस्त गेम प्ले, 26 किल करे हैं और शानदार ग्रेनेड मॉली का भी यूज़ किया। तो यार वीडियो को एंड तक के देखना, काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो आ चुके हैं अपना इवेंट पर और उसी के साथ में यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं, तो बस देखो फाइट को एन्जॉय करो और किस तरीके से निपटाते हैं उनको। ये भी देखो, फिलहाल ये पहले बंदे को डैमेज देंगे और ये शील्ड वाले भैया जी आगे उसको बचा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम मेरा इजी कर देते हैं। और भाई यूजी वाले बंदे ने पीछे से स्प्रे किया, लेकिन खैर नॉकआउट नहीं हुए उसे, और उसी के साथ उसको नॉकआउट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डैमेज से बंदे आसपास थे, तो हमने सोचा पहले हील का प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बंदूक मारेंगे। तो भाई बंदे ने दिमाग सही लगाया था, ग्रेनेड भी कुक करके रखा था, लेकिन उतना परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी। और इसी के साथ इनको फिनिश करेंगे। बाहर की साइड पे भी गाड़ी आई थी, उसका साउंड मिला था बगी का। और ये जो दो जो है अपने जो भी शील्ड वाले भैया जी, ये अब हमारे पीछे लग चुके हैं, लेकिन हमने सोचा मॉली मार देंगे, बुलेट बचेंगे तो उससे इनको मार देंगे, अगर इनको नहीं मारेंगे तो ये हम लोग को नॉक कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं जब फाइट के बीच में ये दिक्कत है। तो और तभी बॉट आया था, बॉट को मारते, और ये जो यहाँ पे जो मेरे शॉट लगता है काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, अगर हेडशॉट होता तो शायद बंदा नॉक फिनिश मार जाता, लेकिन इस बंदे को लास्ट में भी देखना किस तरीके से मारते, तो भाई वो चीज़ देखना। और पक्का हैकर ज़रूर बोलेगा। तो बुश के पास में एक बंदा था, उसको यहाँ पे नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे। और अब देखो ये किल, और यार ये किल देखने के बाद लाइक ज़रूर करना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। और भाई ये जो स्प्रे था भाई सप्रेसर के साथ, उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कितनी दूर से उसके ऊपर स्प्रे हुआ है। और वहाँ पे फिनिश करने के बाद में यासनाई की साइड पर जाएंगे, और यहाँ पे थे बंदे, हेड कैंसिल करेंगे। सबसे पहले भाई साहब जिस तरीके से पिकनिक मना रहे, ओपन में टहल रहे, इनको यहाँ पर नॉक फिनिश डालेंगे। और यार सामने की साइड पर विंडो पर एक और बंदा था, तो अब देखो उसको कितनी शानदार तरीके से ग्रेनेड अपना कनेक्ट होगा। तो यार बंदों को नॉकआउट करने के बाद में पहले हमने सोचा कि लॉक क्लोज करके मारे, लेकिन जब दूसरी पार्टी सामने से क्लोज करती तो फिर हमने सोचा अब ये फाइट को छोड़ते हैं, पहले पीछे जाएंगे, उसके बाद में आराम से खेलेंगे। तो ऊपर की साइड पे बिल्डिंग पे फिर से आ जाते, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रेनेड मेरे पे पड़ेगा। और बंदा काफ़ी तेज़ी से रश भी करता है, लेकिन भाई जो हमारे टीममेट है उसने तुरंत हमें रिवाइव किया, और उसी के साथ में जो प्याला जो था मेरे पास उससे पूरी फुल हेल्थ हो जाएगी। और उसके बाद में देखो, क्योंकि बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रो प्लेयर था, काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहा था, तो हमने भी सोचा थोड़ा सा कंफ्यूज करके मारेंगे। और यार ये बिल्डिंग से एंगल बन नहीं रहा था, तो हमने सोचा बिल्डिंग पहले चेंज करते हैं, और इसी के साथ में अब देखो इनको किस तरीके से फिनिश करते हैं। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा बंदा खेल रहा था, और उसको फिनिश करेंगे। सामने साइड पर बंदा भागते भी दिखेगा, और स्प्रे में जो हमने डैमेज दिया यार उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। दूसरा एक ग्रेनेड भी हमने मार रखा था जिसके पास में गिरा था, तो कान शायद सुनते उस बंदे के, और मेरा साउंड उसको नहीं मिला, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज था यहाँ पर। उसी के साथ यहाँ पर नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे, आगे की साइड पर जाएंगे, और यहाँ पर कैंपर, इसको ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पे बंदे और भी हैं। और ये काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ था, क्योंकि इसको ही देख के हम पीछे वापस भागे भी थे, वहाँ पे फाइट हमने छोड़ी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अकेला है। और सामने से बंदा रोड क्रॉस करेगा, एक बंदे को नॉकआउट करेंगे, और ये फाइट को एन्जॉय करो। 1 HP यहाँ पर बचते हैं हम, लेकिन ज़बरदस्त फाइट है। और अगर अच्छी लगे तो भाई यार लाइक ज़रूर करना, भाई अभी से बोल रहा हूँ, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ग्रेनेड यहाँ पर काफ़ी सटीक था, लेकिन थोड़ा सा शायद आगे था, जिसकी वजह से बंदा नॉकआउट नहीं हुआ।
ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको लगा कि हम आगे एक साइड पे कॉर्नर पे छुपेंगे, लेकिन हम पीछे बिल्कुल भाग चुके थे और सामने साइड पे लास्ट बंदा क्राउच करके आ रहा था, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करेंगे और फिनिश करेंगे यहाँ पे पूरी टीम को। और यार जल्दी से लाइक बटन दबा दूँ, सामने एक साइड पे एक और क्लास शानदार सा, आप लोग यार लाइक नहीं कर अभी तक के यार। तो आगे एक साइड पे हम जा रहे थे तो देखा यार वेस्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और यहाँ पे स्मोक मारेंगे, पहले परचेज करेंगे लेवल 3 का वो वेस्ट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बैकग्राउंड थोड़ा सा पटाखे या बम की आवाज़ आ रही हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा। तो सामने साइड पे बंदा टीवी भी ले रहा था और यहाँ पर मैंने सोचा पहले ग्रेनेड मारेंगे, हो सकता है कुछ डैमेज वगैरह मिले, लेकिन पीछे से यहाँ पे शॉट्स भी चलते हैं और यार कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा यहाँ पे मुझे मिलेगा, लेकिन उन बंदों को देखना किस तरीके से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे यार लास्ट बंदा बच रहा था, इसके पीछे से एक बंदे को मार दिया गया तो यहाँ पे वो टीम डेड हो जाएगी और सामने जो जिन्होंने शॉट लिए थे अब उनकी बारी है, तो देखो उनको किस तरीके से फिनिश करते हैं। और यार जल्दी से यार अपनी 3K की फैमिली कंप्लीट करो भाई लोग, जो भी नए बंदा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो भाई। तो बंदे को नॉकआउट करने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे और यार यहाँ पे भी एक शानदार क्लच आपको देखने को मिलेगा। तो भाई इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत से खेला है, तो यार आप लोग का भी यार वीडियो अगर आप लोग देखो भाई अच्छी लगी ज़रा सी भी तो भाई यार लाइक बटन ज़रूर दबाओ भाई लोग, लाइक करो यार तो करो भाई। तो उन बंदों को फिनिश करने के बाद में सामने मेरे बंदे क्लोज करेंगे और यार काफ़ी हैवी गन लेकर क्लोज करेंगे, लेकिन देखो किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं यहाँ पे। तो दूसरे बंदे को नॉक करेंगे, काफ़ी भरपूर डैमेज भी देंगे और उसी के साथ मुझे पता था ये बंदा कॉर्नर पे रिवाइव जरूर ले रहा है और उसी के साथ यहाँ पे एक मॉली किल अपना सिक्योर। और ये जो इनका जो लास्ट बंदा जो बचता है भाई क्या ही परेशान करता वो बंदा। खैर वो सब हम पार्ट जो है वो उसको कट कर देंगे और डायरेक्ट आपको लास्ट का सीन दिखाएंगे, क्योंकि यार इस बंदे ने बहुत परेशान किया, फुट ग्लिच करके जिस तरीके से इसने कंफ्यूज करके मुझे डैमेज भी दिया मारने, मतलब मारते मारते बिल्कुल छोड़ा था इसने, मुझे लगा कंटेंट मेरा नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा, लेकिन खैर यहाँ पे किस्मत अच्छी थी और आसानी से उसको फिनिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शॉट होगा साफ बना हुआ था क्योंकि किसने एक बंदे को मारा, तो मुझे लोकेशन उसकी पता चल चुकी थी और सामने की साइड पर अब वो बंदा आ चुका, तो देखो किस तरीके से उसको फिनिश करते हैं। मौली लग चुकी थी बंदे को, हमें पता था मौली काफ़ी दूर तक ये फैलेगी। और यार वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।